आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और ये आपका ट्रिगो का पार्ट 3 है, ठीक है। और एक बात, इसके पहले वाला जो दो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 बोलकर आप सभी को मिल जाएगा। और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो दो क्लास मैंने आप सभी को दिया वो तो ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया, और मैंने क्लास स्टार्ट यही बोलकर किया था कि मानकर चलो जो क्लास 2 में पढ़ता है ना उसको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, अगर उसको समझ में आ गया तो आप सभी को भी समझ में आना चाहिए। और सभी बोल रहे भैया बहुत बच्चे की तरह पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज समझ में आ रहा है। और एक बात, इस चैप्टर से बहुत लोग भागते क्यों है, क्योंकि जो आज का सेशन होने वाला है ना, आप मानकर चलो विश्वास करो या मत करो 70% लोगों को यही चीज समझ में नहीं आता है, और यही चीज आपको समझना है। इसके बाद तो डायरेक्ट हम सवाल के ऊपर जाएंगे, कैसे कैसे एग्जाम में सवाल बनते हैं, क्या क्या स्टेप है, ठीक है, प्री और मेंस लेवल दोनों का। लेकिन आज के क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझना है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करवाते हैं और नॉर्मल डरना मत, डरने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल जो पढ़ा रहा हूं बस उतना सीखो। देखो आप सभी के सामने ना एक ऐसे लाइन मैंने टाना, ये समझ में आया ना, एक लाइन मैंने ऐसे टाना, किसी को समझ में आया? कुछ मत समझो, जो मैं बता रहा हूं बस उतना समझ में आ रहा है कि नहीं वो देखो। एक लाइन मैंने ऐसे टाना है और एक लाइन मैंने ऐसे टाना है, ठीक है। उसके पहले एक चीज और समझ लो, एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये मैं किसी को बताऊं ना, ये पूरा का पूरा गोला कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, तो आपको पता है एक पूरा जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। मैं मानकर चल रहा हूं कि दो क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, 360 डिग्री का होता है। अगर मैं पूरा का पूरा जो गोला है वो 360 डिग्री का होता है, अगर मैं इसको दो भाग में बांट दूं तो आप बोलेंगे भैया पूरा गोला 360 डिग्री का था, जब दो भागों में आपने बांटा ना तो एक भाग 180 डिग्री का हो गया, क्योंकि जब 360 को दो से भागा देंगे तो 180 आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको मैं अगर चार भाग में बांट दूं तो एक भाग कितने का हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया अगर चार से भागा दिया जाए तो एक भाग 90 डिग्री का हो जाता है। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आया आप सभी को? अब देखो यहीं पर समझना है एक चीज, ये 90 से अगर आगे बढ़े तो ये कितना हो जाएगा 180, 180 से ये 90 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 270, फिर 270 में ये पूरा 90 जोड़ दिए तो 360, तो बन गया ना पूरा गोला कितने का, 360 का। ये 90 इस 90 में इधर वाला 90 जोड़े तो 180, 180 में ये 90 जोड़े तो कितना बन जाएगा 270, 270 में और 90 जोड़े तो 360, यानी यहां पर फिर से आ गए, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ, इसको मिटाते हैं। अब देखो आपको साइन कॉस टैन ये सब मैंने आपको फर्स्ट और दो क्लास में बताया, देखो टाइम दो, वरना दो साल तीन साल से जो चीज नहीं सीख पा रहे आजीवन नहीं सीख पाएंगे, अगर अभी नहीं सीख पाए तो बहुत टाइम है, 24 घंटे का टाइम है, हार्डली मैं 40 से 45 मिनट क्लास दे रहा हूं, आज दे दो टाइम, लॉकडाउन ओपन होने के बाद एग्जाम में अभी भी टाइम है, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे भैया सीख गए, डर चला गया है, ठीक है। अब एक बात समझना, ये चार क्वाड्रेंट है, भैया क्वाड्रेंट क्या होता है मत समझो भाई, आप नॉर्मल समझो, चार घर है, कितना घर है, चार घर है, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, ठीक है, चार घर है ना। इसमें मैं बोलता हूं ऑल, जितने भी है, क्या भैया जितने भी का मतलब क्या होता है, जितने भी साइन कॉस कॉसेक टैन कॉट सेक जितने भी है सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव का मतलब भैया मत पकड़ो ना, पॉजिटिव का मतलब प्लस होगा, ये समझ में आ रहा है ना, मैं पूरा ट्रिगो के लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, सरल भाषा में समझा रहा हूं, जितने भी इसमें आएंगे, इसमें मतलब बताऊंगा, जितने भी इसमें आएंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में वो प्लस होगा, वो सब पॉजिटिव होगा उसके बाद, ठीक है।
जब इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे मतलब ये 90 का घर है, ये घर कितने का है, 90 डिग्री का घर है। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये 180 डिग्री का घर है। 180 डिग्री वाले घर में बस साइन पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी होगा सब निगेटिव। ये घर किसका है, ये कमरा किसने बुक करवाया है? 0 से 90 डिग्री का जो कमरा है वो सभी के लिए फ्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। साइन कॉस कॉसेक टैन कॉट से कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा। लेकिन 180 डिग्री वाला जो रूम है ना भाई, ये जो 180 डिग्री वाला जो कमरा है उसमें बस साइन आएगा, बाकी जो भी पैर रखेगा ना वो निगेटिव हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, इसमें नहीं, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था ना, साइन कॉसेक टैन कॉट और कॉस सेक। लेकिन साइन का उल्टा क्या होता है आप सभी को पता है, यानी साइन के साथ साथ किसको परमिशन है आने का, तो साइन का उल्टा वाला का, कॉसेक का। यहां पर दो चीज समझना है, यानी 180 डिग्री वाले रूम में बस याद रखना है साइन आएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। यहां पर उल्टा अलग होगा लेकिन आप समझना, यानी यहां पर बस दो लोग आ सकते हैं, बाकी अगर कोई भी आया तो माइनस होगा। अब भैया 270 वाला कमरा किसका है, तो देखो 270 वाला कमरा ना जो बुक करवाया है वो 10 ने करवाया है, 10 ने, और 10 का उल्टा कॉट, यानी भैया 270 वाले रूम में बस 10 रह सकता है ना, हाँ 10 के साथ कॉट, बाकी जो भी आएगा सब निगेटिव हो जाएगा, बस ये दोनों प्लस हो गए। ठीक है, आगे, ये कमरा किसका है भैया, ये कमरा किसका है? अरे भाई ये जो कमरा है ना वो कॉस ने बुक करवाया है, किसने? कॉस ने। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इस रूम में बस दो लोग आ सकते हैं, इस रूम में, इस वाले रूम में, बाकी कोई नहीं आ सकता है। अगर कोई भी आए तो क्या होगा, निगेटिव माइनस, बाकी अगर ये दोनों इस रूम में आए तो प्लस, ये दोनों आए अपने रूम में तो प्लस, ये दोनों अपने रूम में आए तो प्लस, लेकिन 0 से 90 में सब आ सकता है, सब प्लस होगा। ये चीज आपको समझ में आया, और ज्यादा नहीं समझना है। दूसरा बात आपको ये समझना है, एक चीज और समझिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो जब कन्वर्स जब चेंज होगा तो याद रखना, ये तो पता है आपको टैन कॉट में चेंज होता है, टैन कॉट में दिखाई दे रहा है ना, लेकिन यहां पर थोड़ा लफड़ा है, साइन जो चेंज होगा ना भाई वो कॉस में चेंज होगा, ठीक है, और कॉस जो चेंज होगा वो कॉसिक में होगा। तो भैया आपने ऐसा क्यों बोला कि साइन के उल्टा कॉसिक, साइन का उल्टा कॉसिक होता है, लेकिन जब कन्वर्जन होगा, जब चेंज होगा तो साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा सेक कॉसिक में, लेकिन इसमें कॉसिक नहीं आ सकता है, इस रूम में ना, इस रूम में आपका कॉस आ सकता है, ये याद रखना नॉर्मल, ठीक है ना। जब आगे आगे बढ़ूंगा सवाल की तरफ ना, तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो एक चीज और आप सभी को समझना है, ठीक है ना, एक चीज और आप सभी समझिएगा, यहां पर मैंने क्या लिखा ऑड, ये मैंने क्या लिखा इवन। ऑड जब होगा, जब ऑड आएगा, अब भैया ऑड क्या बता रहे समझ में नहीं आ रहा है, अभी सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं। जब ऑड होगा तो क्या होगा, चेंज, चेंज नीचे में साइन लगा रहे, देखिएगा चेंज होगा प्लस, जब ऑड होगा तो चेंज प्लस टिक, यानी चेंज होगा, जब इवन होगा तो चेंज, चेंज, चेंज क्या होगा, नहीं होगा। ये चीज समझ में आया, नहीं आया भैया समझना भी नहीं है, अभी तो मैं सवाल कराऊंगा तब समझ में आएगा, पहले बोलो, अब मैं आपको सवाल करवाने वाला हूं, तब ये सब चीज पानी के तरह क्लियर होगा। इतना अभी तक मैंने जो भी बताया वो चीज समझ में आया ना, 0 से 90 डिग्री का जो कमरा है वो कमरा किसने बुक करवाया है, सभी ने, यानी कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। 90 से 180 डिग्री का कमरा किसका है भैया, दो जन का है, साइन और कॉसिक का। अच्छा 180 से 270 कमरा किसका है भैया, टैन कॉट बस आएगा, बाकी कोई भी आएगा करंट लगेगा, निगेटिव, ठीक है। अच्छा 270 से अब
360 तक कमरा किसने बुक करवाया है? भैया कॉस और सेक ने। अगर कोई भी आया करंट लगेगा यानी निगेटिव होगा। अच्छा, अगर कन्वर्जन होगा तो टैन का किसमें होगा? कॉट में। साइन का कॉस में। साइन का कॉस में, लेकिन यहां पर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन कन्वर्जन केवल साइन कॉस में होगा। इसका मतलब यह नहीं कि कॉस इसमें आ जाएगा, आने से करंट लगेगा कॉस का कॉसेक में, ठीक है ना। अब देखो, अब सवाल देखो, आपको मैंने 0 से 90 डिग्री का ट्रिक बताया था इसके पहले वाले क्लास में, इस क्लास में देखो सवाल आगे बनेगा जब बड़ा बड़ा, तब उसको चुटकी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब समझना है, देखो मान लो दिख रहा है ना, दिख रहा है आप सभी को। मान लो मैंने बोला टैन 315 डिग्री का मान बताइए, टैन 315 डिग्री का आपको मान बताना है। टैन 315 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये आपको बताना है। नॉर्मल भाषा में अगर मैं बात करूं टैन 315 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कुछ पल के लिए सोचेंगे। भैया बात तो सोचने वाला है, कैसे करें? देखो सब गेम क्लियर हो गया, टैन 315 है ना, हमेशा 90 से गुना करिएगा, 90 से। एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं कर रहा, बस समझने के लिए। 315 को अगर 90 से भाग दिया जाए तो कितने बार में कटेगा? 9 तिया 270, शेष फल कितने बचेगा? 45 बचा। 90 को जब 390 से ही भागा देना है, 90 से भागा दिए तो 3 बार में गया, बाकी 45 शेष फल। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, 90 3 गुना 90 प्लस 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। और ये 3 से गुना किए, 3 क्या है भैया? 3 तो ऑड है। अब जब ऑड होगा, जब ऑड होगा, विषम जब होगा तो क्या होगा? तो भैया चेंज होगा। और टैन किस में चेंज होगा? तो टैन चेंज होगा भैया कॉट में, यानी कॉट 45। इसको छोड़ दो, जो एक्स्ट्रा है उसको जोड़ो, एक्स्ट्रा कितना है? 45, तो कॉट 45। लेकिन ये कितने वाला है भैया? 90 × 3 270 प्लस 45, यानी 315 ये जा कहां रहा है? 315 भैया इस घर में आ जा रहा है। 270 तक तो यहां पर कहानी खत्म हो गया, लेकिन हमें 315 का मान बताना है। 315 यानी इस घर में घुस गया, कौन घुस गया? टैन घुस गया। और टैन का रूम है क्या ये? भैया टैन का रूम तो नहीं है। और 90, 180, 270 और 315 आगे जाएगा, यानी टैन इस रूम में घुस रहा है। और जब टैन इस रूम में घुस रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि निगेटिव होगा, यानी कॉट के आगे क्या लगाएंगे? निगेटिव, माइनस कॉट 45 डिग्री। यानी इसको हम सीधा लिख सकते हैं इतना, क्लियर। और टैन 45 डिग्री का मान शायद 1 होता है, तो सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं? 1। आंसर हो गया, कितना सिंपल हो गया। अभी यही सब चीज जोड़ जोड़ कर बड़ा बनेगा, मैं एग्जांपल और दे रहा हूं ताकि आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। दोबारा समझाऊंगा एक बार, देखो मैंने क्या बोला, टैन 315 डिग्री का मान बताओ। आपने क्या सोचा? मैंने बोला 90 से गुना करना है, 90 × 3 270 प्लस 45 ये निकाल लेंगे ना। अब 90 × 3 ये तो ठीक है, 315 कहां पर है? यानी इस घर में 315, और ये टैन का घर नहीं है। यानी पहले आप क्या लगाओ? पहले माइनस लगाओ कि जो भी होगा पॉजिटिव निगेटिव होगा, करंट लगेगा, क्योंकि 315 इस घर में है भैया। बहुत बढ़िया। अब ये 90 छोड़ दो, 45 कितना ज्यादा है? 45। और जब एक बात और समझना, ये 3 क्या है? ऑड है, और ऑड क्या होता है? चेंज होता है। तो टैन किस में चेंज हो? कॉट में, तो कॉट 45। ठीक है, आगे सवाल देखिए। ये नहीं समझ में आया और एग्जांपल लो, पूरा क्लियर कर कर जाएंगे। अब मान लो आप सभी को, मान लो एक एग्जांपल यही पूछ दिया, हां ये वाला, टैन 225
थीटा का मान बताना है, इसका मान आपको बताना है। अब आप क्या करोगे, सोचो क्या करोगे, इसका मान क्या होगा भैया, बताते हैं ना। देखो पहले देखो 225 किस घर में आएगा, तो भैया 90, 180, 225 तो भैया इसी घर में आएगा, और ये 10 का ही घर है। जब 10 का घर है तो पॉजिटिव प्लस ही आएगा, कोई बात नहीं है ना, वो अपने घर की बात कर रहा है। 225 180 प्लस इस घर में, ठीक है। चलो अब 225 90 से गुना करो, 90 × 3 = 270, लेकिन चाहिए कितना 225। चलो यानी 90 × 2 करना पड़ेगा, 2 × 90 = 180, 180 + 45 करना पड़ेगा। यानी जब 2 आ गया, 90 को 2 से गुणा किए, यानी इवन से कर रहे हैं, सम संख्या से, और सम संख्या से करेंगे तो चेंज नहीं होता है, यानी टेन का टेन ही रह जाएगा। कितना टेन रह जाएगा भाई, 45। यानी इसको भी एक वर्ड में बोल सकते हैं, 10 45 का भी मान एक होता है, यानी इसको भी क्या बोल सकते हैं, 10 225 को एक बोल सकते हैं। इतना समझ में आया, नहीं आया आगे और एग्जाम्पल लीजिए, ये चीज क्लियर करना है आप सभी को आज। अगला एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो मैं आप सभी को एक बात बोलूं, ये देखो एक बार आप सभी को अगर बोला जाए यहां पर 10 90 - थीटा का मान बताना है, 90 - थीटा का मान बताना है आप सभी को, क्या होगा, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया पता नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता है, 90 - थीटा यानी ये 90 - कुछ करना है इसमें से, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 × 90 - थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। और 1 क्या है, ऑड है, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा भैया, और 10 चेंज किसमें होता है, कॉट में, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक बार में कॉट, ठीक है, कॉट लिख सकते हैं ना। अब कॉट थीटा तो होगा ही होगा, अब ये माइनस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा भैया, क्योंकि 90 - इसी घर में कुछ रहेगा, और इस घर में सब आ सकता है, टेन कॉस कॉसेक कॉट सेक सब आ सकता है, यानी इतने को बोल सकते हैं कॉट थीटा एक बार में। क्लियर हुआ नहीं हुआ भैया, और समझिए चीज क्लियर करना है ये वाला। मान लो आप सभी को अगर मैं बोलूं एक बार, ये वाला चीज समझिएगा आप सभी, दो चीज दूंगा, मान लो आपको बोला साइन 90 + थीटा, ठीक है, और बोला साइन 180 + थीटा, इसका मान बताना है आप सभी को। देखो दो सवाल मैंने आप सभी को दिया है, ठीक है, साइन 90 + थीटा और साइन 180 + थीटा, पहले इसको समझो, पहले इसको समझो, ये 90 पूरा का पूरा 90 + थीटा यानी इस घर में आ जा रहा है, कौन आ रहा है, साइन आएगा भैया, अरे भैया कोई बात नहीं है ना, ये तो साइन का ही घर है, और साइन अपने घर में आ सकता है जा सकता है, अपने घर में आने के लिए कोई प्रॉब्लम है, करंट लगेगा नहीं लगेगा भैया, अगर 90 + थीटा यानी साइन अपने घर में आ रहा है तो अपने घर में साइन आ सकता है, और 1 × 90 + थीटा, 1 क्या है भैया, ऑड है, चेंज होगा किसमें, चेंज होगा कॉस में, यानी इसको कॉस थीटा बोल सकते हैं। साइन देखो एक बार, स्क्रीनशॉट लो आप सभी, मैं बार बार बोल रहा हूं, साइन 90 + थीटा को कॉस थीटा बोल सकते हैं भाई, निगेटिव साइन नहीं आया क्योंकि वो अपने घर में ही आ रहा है, ठीक है ना। आगे पढ़ो आप, ये वाला चीज देखिए, 180 + थीटा को क्या बोलेंगे, 180 यानी भैया 180 + यानी अब साइन दूसरे के घर में आ रहा है, अरे बिल्कुल यही समझ में आया, जब दूसरे घर में आएंगे तो निगेटिव होगा, पहले तो माइनस लगाओ, ठीक है। और एक बात भैया ये बात समझो, 180 तो 90 से गुना होता है दो बार में, 2 × 90 + थीटा और 2 भैया सम है, यानी चेंज नहीं होगा यानी साइन का साइन ही रह जाएगा, यानी इस पूरे को बोल सकते हैं माइनस साइन थीटा, साइन 180 + थीटा को बोल सकते हैं एक वर्ड में माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ,
यही चीज समझना है। जब मैं सवाल आपको कराऊंगा ना, आप बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है। तीन क्लास दिए मैंने और यही तीन क्लास बहुत शिद्दत के साथ आपको समझना है। और एग्जांपल आप सभी को कराऊं ताकि और क्लियर हो। चलो एक बार ना एक सवाल आप सभी ट्राई करना। चलो एक बार ये वाला कुछ भी निकाल सकते हैं भाई। इसको हम क्या बोल सकते हैं, tan tan 270 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका होमवर्क है, क्या बोलेंगे बोलो, दिमाग लगाओ। अच्छा इस सवाल को ना आप होमवर्क लेना। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, एक बार वीडियो के कमेंट में ट्राई बोलना इसका आंसर क्या होगा। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इसको HW लिख दो, ठीक है ना। इतना समझने के बाद अगर आपने दिल लगाकर सीखा है तो आप बोलेंगे भैया समझ में आ रहा है। तीन पार्ट करवाया है, पहला दूसरा तीसरा। अगर अभी भी इंटरेस्ट नहीं जगेगा, अगर आप बोलेंगे भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बोरिंग लग रहा है, तो सोए सोए तो कुछ नहीं मिलेगा। देख लो आज के डेट में लोगों के पास काम नहीं है, COVID-19 के वजह से लोग मर रहे हैं। काम नहीं करेंगे पेट नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है भैया पढ़ेंगे नहीं एग्जाम पास हो जाएंगे, फिर तो इस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा बहुत जल्दी, वो भी उम्र रहते हुए, वरना उम्र चल जाने के बाद आंख सभी का खुल जाता है। लेकिन होता क्या है, अफसोस कुछ नहीं मिलता है। ठीक है चलो, बहुत सारे सवाल है, लाइन से पूरे सवाल पड़े हुए हैं। आई होप आप सभी इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है एक सवाल और आप सभी ले लो। मान लो आप सभी को मैंने बोला tan 180 माइनस थीटा, कुछ भी निकाल सकते हैं, 1415 1475 tan कुछ भी निकल जाएगा भाई, कुछ भी, कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है अच्छा मैं एक आपको सवाल दिखाते हैं। 90 कितना होता है, 9×6=54, 5×14 चलो एक बार देखो तो एक चीज और आप सभी, एक चीज और देखो क्या देखना है भैया। अगर मान लो आपको बोला tan 1470 थीटा का मान बताना है आप सभी को, कैसे निकालेंगे? अब तो भैया 1470 क्या बात कर रहे हैं भैया, इतना तो हम सभी को याद ही नहीं है, मैंने तो बता दिया है। आप पहले क्या करो, 1470 जो है वो किस में है, तो देखो पहले तो 90 से गुना करो, यानी 90 इंटू कितना करना पड़ेगा, 16। 90 इंटू 16 कितना होगा, मैंने अभी आपको करके दिखाया, देखो एक बार, 9×6=54 और 9×1=9 और 5×14 1440 हो गया। प्लस 30 करना है, यानी प्लस 30 करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भैया। अब देखो एक बार 1470 किस घर में, तो आराम से देखो आप सभी, 90 मतलब 16, 90 16 मतलब 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है यहां पर 12 हो गया यहां पर, ठीक है ये चौथा जब राउंड घूमा तो ये 16 हो गया, 16 यहां पर रुक गया, अब आगे बढ़ रहा है, यानी 1470 इसमें आएगा और इसमें tan आ सकता है, सब आ सकता है, सबने रूम बुक करवाया है, तो इतने को हम एक बार में बोल सकते हैं tan 30। क्लियर ना, आई थिंक इतने के बाद तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तीन क्लास करवाएं, नोट कर लो आप सभी, डेली आधा घंटा समय दो अपने फ्यूचर के लिए, कुछ नहीं करना है। चौथा क्लास क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आपको कल मिलेगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बाकी कोई करता नहीं है, आपकी मर्जी। चलिए अपना अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का जरूर ख्याल रखिएगा।